प्रेप थ्री में हमारे पास फॉर द मंथ ऑफ मार्च हमारे पास पहली एक्सरसाइज 13C जो कि सिमेट्रिक के चैप्टर से ही रिलेट कर रही है उसको हम लोग करेंगे। 13A और 13B ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैप में कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास 13C में एडवांस क्वेश्चंस हैं, लिटिल बिट एडवांस, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करना है, जिसके अंदर हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स उसके बारे में हम लोगों ने बताना है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा गया है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, कि इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं और आइसोसेलेस जिसमें हमारे पास दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर आइसोसेलेस ट्राइंगल आता है। सो इट मींस क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 द थिंग इज ट्रू दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। पार्ट बी, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब वो उसका उलट पूछ रहा है, कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसके दो साइड्स इक्वल होती हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। इट्स नॉट राइट। फॉल्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल में आइसोसेलेस आता है बट आइसोसेलेस में इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं आता। तीन एंगल हमारे पास हैं ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल तीनों साइड्स इक्वल, आइसोसेलेस टू साइड्स एंड देन स्केलिन नो साइड इक्वल, जो कि हमारे पास तीन ही साइड्स होती हैं। ओके उसके बाद फिर हमारे पास मुख्तलिफ क्वेश्चंस दिए गए हैं और कहा गया है नंबर सी में एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर की बात की जा रही है तो उसके अंदर रोटेशन की बात करेंगे हम लोग और वो ऑर्डर 3 की बात कर रहे हैं। ऑर्डर 3 जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, इसका सेंटर का पॉइंट इसके आप रोटेट करवाएंगे तो ये वाला शेप उठ के जब इस तरफ आएगा तो पहला एक शेप एग्जैक्टली ओवरलैप हो रहा है, पहला ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, और फिर जब वापस से ये शेप उठ के यहाँ पे आएगा तो फिर अगेन इक्वल वैल्यू आ रही है, और फिर जब ये शेप वापस से अपने 360 डिग्री को कंप्लीट करेगा तो एक और ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हमारे पास होते हैं। तो इट मीन्स कि हमारे पास नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं इनकी वैल्यूज वगैरह यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज ट्रू। नंबर डी में कहा जा रहा है अ ट्राइंगल हैज़ टू साइड्स इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ट्रू है। नंबर ई में आप लोगों से कह रहा है इफ अ ट्राइंगल हैज़ टू साइड्स टू एंगल्स, ओके दिस इज ऑल्सो इक्वल। इसको मैं बता देता हूँ, कहा गया है इफ अ ट्राइंगल हैज़ टू इक्वल साइड्स, जिसकी साइड्स होती हैं, साइड्स के बारे में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था, आउटर पार्ट को साइड्स कहा जाता है, इनर पार्ट को एंगल्स कहा जाता है। तो इफ अ ट्राइंगल हैज़ टू इक्वल साइड, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, जब दो साइड्स इक्वल हैं तो दोनों एंगल भी इनके इक्वल ही होंगे, तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू। नंबर एफ, इफ अ ट्राइंगल हैज़ टू इक्वल एंगल देन इट हैज़ टू इक्वल साइड्स। नाउ एंगल को पूछ के आप साइड्स की बात कर रहे हैं तो ये चीज़ भी बिल्कुल ठीक है, जब दो एंगल बराबर हैं तो दोनों साइड्स भी बराबर होंगी। नंबर जी जिसमें हमें उससे कह रहा है अ सर्कल हैज़ नो रोटेशनल सिमेट्री, सर्कल में हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती, बिल्कुल गलत। सर्कल हमारे पास मौजूद है,
इस सर्किल का सेंटर का पॉइंट, यहां पे हमारे पास हर एंगल से रोटेशनल सिमेट्री आ रही है और ये हमारे पास इनफाइनाइट होता है। किसी भी तरह से आप इसको बनाने चाहें बन जाएगा ये आपके पास। सो इनफाइनाइट, दैट्स अ साइन ऑफ द इनफाइनाइट। सो दिस इज फॉल्स नंबर जी। नाउ नंबर एच, एन एन साइडेड पॉलीगॉन। पॉलीगॉन, पॉली मीन्स मैनी, गॉन मीन्स साइड्स। तो मैनी साइड्स, अब कितनी साइड्स हैं? एन साइड्स हैं। नाउ एन एन साइडेड पॉलीगॉन हैज अ रोटेशनल सिमेट्री, हैज एन रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर एन। जब एन के नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिहाज से बात कर रहा है और नंबर ऑफ पॉलीगॉन के लिहाज से में बात कर रहा है, तो दोनों की वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है। यानी कि जितने हमारे पास साइड्स होंगी उतने ही हमारे पास उसके ऑर्डर बनेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर आप लोगों के सामने ये एक शेप डिस्कस कर लेता हूँ, इसमें हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस 8 साइड हमारे पास मौजूद हैं। 1, 2, 3 तो इस तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ शेप बिल्कुल सेंटर के में इसके पॉइंट मिल रहे होते हैं। तो जितनी हमारे पास साइड्स होंगी उतनी हमारे पास उसके ऑर्डर आएंगे। ओके, नाउ नंबर एच बिल्कुल ठीक है। और हमारे पास फिर नंबर आई में है अ स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन, जिसके बारे में मैंने आप सबों से कहा था कि कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। अ स्केलिन ट्राइंगल हैज टू लाइन ऑफ सिमेट्री, बिल्कुल भी गलत। आपके पास स्केलिन ट्राइंगल है, किसी भी तरह से स्केलिन ट्राइंगल में आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही, एक भी नहीं आ रही आपके पास यहां पे। ओके, सो नंबर आई इज फॉल्स। एंड नंबर जे, एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम एक ये शेप होता है जिसकी ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं और ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं होती। अब वो ये कह रहा है एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हैज टू पेयर, टू पेयर, एक पेयर हो गया और दूसरा पेयर तो उसका है ही नहीं, टू पेयर ऑफ इक्वल साइड्स। तो हमारे पास ये बिल्कुल फॉल्स है। तो ये हमारे पास आंसर हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास, हम लोगों से पूछा गया है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अगेन रोटेशनल सिमेट्री की हम लोगों से बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, जिसमें हमारे पास सेंटर का पॉइंट एक ये दिया हुआ है, हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी ये वाली साइड, ये साइड, ये और ये चारों साइड्स इक्वल हैं और ये जो एक लाइन बिल्कुल इसके सेंटर से आ रही है, दिस इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें हमारे पास पॉइंट ऑफ सिमेट्री जो उसका बिल्कुल सेंटर का पॉइंट है वो मौजूद है हमारे पास यहाँ पे, ये रहा। अब अगर स्क्वायर की बात करूँ मैं आपसे तो कितने ऑर्डर बन सकते हैं उसके? आपके पास ये स्क्वायर है जिसकी चारों साइड मौजूद हैं, इसको यहाँ मूव कर लें पहला, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, 4। तो हमारे पास 4 साइड्स इसकी आ जाती हैं, 4 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, क्योंकि चारों साइड इक्वल हैं। 0 डिग्री से 360 डिग्री तक जब ये पहुँचेगा तो वापस से हमारे पास एक शेप तो आएगा ही आएगा, बाकी इस दौरान हमारे पास 3 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री मजीद बनेंगे। तो इस पे हमारे पास है 4 ऑर्डर। ओके, नाउ लेट्स कम नंबर बी। नंबर बी में हमें जो एक शेप दिया हुआ है उसमें हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 6 साइड्स हमें यहाँ पे दी हुई हैं और इन तमाम साइड्स पे इन्होंने यहाँ पे लाइंस मारी हुई हैं, जिस इट मींस कि तमाम के तमाम जो साइड्स हैं वो बिल्कुल बराबर हैं, एंगल्स की तमाम लेंथ इक्वल है हमारे पास। नाउ अब इसके ऑर्डर के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। 6 साइड्स हमारे पास मौजूद हैं, सेंटर के पॉइंट से रोटेट करें, ये वाली साइड इसके बराबर, ये इसके, और तमाम साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं।
अब अगर इसको रोटेट करवाएंगे, ये वाली साइड उठ के यहाँ पे आएगी, एक दो तीन चार पाँच एंड देन सिक्स। तो हमारे पास सिक्स ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो ऑर्डर सिक्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू के पार्ट बी के अंदर आ रहा है। ओके नाउ अब हमारे पास नंबर सी और डी, सी और डी के अंदर आप लोगों के पास कोई इस किस्म का शेप दिया हुआ है, ये मैं आप लोगों को होमवर्क बता रहा हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए आप लोग अपना, टू का पार्ट सी है और टू का पार्ट डी है, ये दो क्वेश्चन हैं आप लोगों के पास, और इन दोनों क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के पास जो उसका सलूशन है वो मैं आप लोगों को इससे दो चार मिनट पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ, मतलब इन दोनों का आंसर मैं पहले ही आपको दे चुका हूँ। तो होपफुली आप लोग इसका आंसर यहाँ पे एग्जैक्टली सही से बिल्कुल सही देंगे। नंबर सी के अंदर और डी के अंदर आपके पास दोनों में सर्किल दिया हुआ है, मेरा इशारा आप लोग समझ गए होंगे, जब सर्किल दिया हुआ है तो उस पर कितने ऑर्डर ऑफ सिमेट्री आएंगे इसके बारे में आई होप कि आपका दिमाग क्लिक कर चुका होगा। ठीक है तो ये दो पार्ट्स हैं आपके पास, एक्सरसाइज 13C में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये दो क्वेश्चन हम लोगों ने आज किए हैं। थैंक यू वेरी मच।